इस होली हमारी जिंदगी में खुशियों की बौछार ला दो पोलेन। कहाँ है? अंदर है। बाहर लेकर आओ उसको। इतना बड़ा टीवी बाहर क्यों लेकर आऊँ? अंदर जाकर ठीक करो। अरे मैं कोई टीवी ठीक करने वाला दिख रहा हूँ क्या? इंजीनियर हूँ मैं। फ्रिज ठीक करने के लिए बुलाया होगा इन्होंने। ठीक है यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट में फ्रिज रखा, ठीक कर दो फटाफट। ऐसा है बहन जी, मैं कोई टीवी फ्रिज ठीक करने वाला नहीं हूँ, मुझे आपके बेटे को ठीक करना है, उसे बुलाओ बाहर। क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? कौन है ये? ये हमारे बेटे को पीटने की बात कर रहा है। उसने यार मेरे कपड़े खराब कर दिए, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, गुब्बारा मार के सारे कपड़े गीले कर दिए, ऐसे जाऊँ इंटरव्यू के लिए अब? पिंटू बेटा, गुब्बारा मारने के बाद हैप्पी होली भी बोलना होता है। आपकी हैप्पी होली के चक्कर में मेरे इंटरव्यू की तो होली ना, आप क्या पहन के जाऊंगा इंटरव्यू देने? क्यों, क्या दिक्कत है, पहन तो रखे तुमने कपड़े। आप थोड़े से अंधे हो क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा ये कपड़े गीले हो चुके हैं, ये पहन के जाऊंगा इंटरव्यू देने? अरे क्या हो गया, होली है, बुरा ना मानो, होली है, खेलो आराम से। बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है। अरे तुम्हारे बुरा ना मानने की वजह से मेरे 4 साल की इंजीनियरिंग तो धरी की धरी रह जाएगी ना। इतनी मुश्किल से एक जॉब मिली थी सर, उसमें भी आपके बेटे ने गुब्बारे मार के पानी फेर दिया, सारे कपड़े खराब कर दिए। जब इंजीनियरिंग करी थी ना सर, तब सोचा था मजे करूंगा, लेकिन मजे नहीं कर पाया क्योंकि पैसे ही नहीं थे। उसके बाद जब प्लेसमेंट लगने की बारी आई तो प्लेसमेंट नहीं मिली, क्यों? क्योंकि अमीरों के बच्चों ने सीटें खरीद ली। उसके बाद खुद नौकरी ढूंढने निकला तो कोरोना वायरस आ गया, इतनी मुश्किल से फिर दोबारा हिम्मत करी, पर नौकरी कहाँ थी, मिली नहीं नौकरी। घर पे बैठा था, माँ बाप के ताने सुन रहा था, फैमिली तो फैमिली, मोहल्ले वाले मेरे नाम के मिसाले देते हैं, कुछ भी बनना पर ये मयंक जैसा मत बनना निकम्मा। बुरा ना मानो होली है, लग रहा है मुझे बुरा, क्या करूं? सोचा था कि एक छोटा मोटा काम कर लेता हूं, लेकिन ये जमाने वाले ये कहते इंजीनियरिंग करिए तो छोटा मोटा काम करेगा तू? छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा हुआ है क्या? एक बाप कमाने वाला है सर मेरा, वो भी 3 महीने में रिटायर होने वाला है, और मैं नल्ला बेरोजगार अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पलने वाला 30 साल का एक लौंडा हूं। और आप कहती हो कि बुरा ना मानो होली है, ऐसे अगर जाऊंगा ना इंटरव्यू देने तो ऑफिस के बाहर वो जो गार्ड बैठता है ना, वो भी धक्के मार के मुझे बाहर निकाल देगा। वहां वो गार्ड मुझे बाहर निकालेगा और यहां मेरे घर वाले मुझे बाहर निकाल देंगे। आप लोग तो अपने घर में नमकीन, नमक पारे और गुजिया खाओगे, और मैं ये समाज की गालियां खाऊंगा सर। अरे आपका बेटा तो अपने दोस्तों के साथ गुब्बारे और पिचकारी के साथ खेलेगा, और मैं सड़क किनारे शराब पी के कहीं पड़ा हूंगा, क्योंकि मेरे तो दोस्त भी नहीं है, उनकी तो सबकी जॉब लग गई है। आपको पता है सर, ये इंटरव्यू मेरे लिए इतना जरूरी है जितना पड़ोस वाली भाभी को होली में रंग लगाना जरूरी होता है। इस नौकरी के बिना ना मैं वैसा ही हूं जैसे होली बिना पानी के। अगर नौकरी नहीं लगी ना तो मेरे हाथ पीले नहीं होंगे, कोई शादी नहीं करेगा मुझसे, मेरी जिंदगी ना बेरंग हो जाएगी, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट रील की तरह। और आप कहती हो कि बुरा ना मानो होली है, अरे लग रहा है मुझे बुरा, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बोलो क्या करूं? अरे दूत बन के क्यों खड़े हो यार, बोलो ना कुछ, बोलो। सॉरी भैया, माफ कर दो, मेरे बच्चे से गलती हो गई, उसने आपको गुब्बारा मार दिया, सॉरी। अब पिंटू बेटा नीचे आओ जल्दी से, देखो तुमने ये अंकल के गुब्बारा मार दिया था ना, सॉरी बोलो अंकल को। सॉरी अंकल। जाओ अब खेलो। ठीक है, उसने अब सॉरी बोल दिया, अब आप भी जाइए हम भी चलते हैं, ठीक है? चलिए। अरे क्या ठीक है, इंटरव्यू ले रहे हो क्या मेरा? कपड़े उतारो। क्या है? क्यों है क्या, कपड़े उतार चल। ठीक है हमारी गलती है, बच्चे ने, हो गया बच्चे से। एक काम करता हूँ मैं आपको दूसरी शर्ट लाके दे देता हूँ, ठीक? नहीं 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 नहीं, दूसरी नहीं, यही वाली, ये ब्लू अच्छी लग रही है, जल्दी उतारो। अरे ये क्या, अबे उतार, नहीं तो मनाओ तेरी हैप्पी होली अभी। अरे भैया आप नाराज हो रहे हैं, अब दे दीजिए, जल्दी उतार। ठीक है जल्दी। मयंक मिश्रा जी सर आया। May I come in, sir? Come in. मैं चलता हूँ। ए! रुको, बैठो। सर, मारना नहीं। आज किस्मत ने वैसे ही बहुत मारी है। बैठो। वो एक्चुअली सर मुझे पता नहीं था कि आप इस कंपनी में मैनेजर हो और पिंटू के पापा थी। यू आर हायर्ड। चलता हूं। यू आर हायर्ड। क्या मतलब, मुझे नौकरी मिल गई? पक्की। कैसे? जो काम मैं 30 सालों में नहीं कर पाया तुमने 2 मिनट में कर दिया यार।
अरे मेरी बीवी का मुंह बंद करवा दिया तुमने। और इंटरव्यू वो तो हो गया। कब? मेरे घर के गेट पे। पर जॉली आदमी हो आप, मजा आ गया, एकदम जॉली बंदे हो। तुम जिस डेजिग्नेशन के लिए नौकरी पे आए हो ना, मैं उससे ऊंचा वाला डेजिग्नेशन दूंगा तुम्हें इस कंपनी में। थैंक यू। इतना फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। वो सॉरी बॉस एम्प्लॉय लिमिट। कल से टाइम से काम पे आ जाना। चलो कल से आता हूँ सर मैं। थैंक यू। और सुनो, ये शर्ट ना स्त्री करके अच्छे से मुझे वापस करनी है कल जब आओगे, ठीक है? अभी दे दूँ सर? नहीं, कल मैं स्त्री करवा के। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। सॉरी भाई साहब, माफ कर दो, गलती हो गई। हैप्पी होली, हैप्पी होली।